बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां ने अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दलित सेना की प्रदेश अध्यक्ष शैलोजपा नेत्री रीता गहलोत ने जिले की बाराचट्टी विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान बाराचट्टी विधानसभा के विभिन्न गाँवों की महिला, पुरुष व युवक उनके साथ दिखे। इस मौके पर लोजपा नेत्री ने कहा कि बाराचट्टी विधानसभा में कोई भी बड़ा विकास का काम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए वो स्थानीय ही रहे, बावजूद इसके बाराचट्टी विधानसभा का विकास नहीं हुआ और क्षेत्र भ्रमण के दौरान बाराचट्टी में सबसे बड़ी समस्या सड़क की पाई गई। उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कों की स्थिति काफी बदतर है, इसके अलावा पेयजल व बिजली भी बहुत बड़ी समस्या है। शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जाती है और अंधेरा छाया रहता है, जिस कारण महिला और बच्चियों की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है। जनशक्ति पार्टी के सदस्यता अभियान और जनसंपर्क कर रहे हैं। बाराचट्टी का हाल क्षेत्र के लोगों से ही जानना चाह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास अब भी होना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पासवान जी का एक नारा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उसके तहत हम लोग हर विधानसभा का सर्वे करके और क्या समस्या है अपने आदरणीय नेता को बताने का काम कर रहे हैं। और जो हम देखे हैं वो लगता है कि बाराचट्टी में कभी विकास का काम हुआ ही नहीं, आज तक विकास का काम नहीं। जो रोड की हालत है, जो गांव की हालत है, जो बिजली की हालत है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उससे लोग हमें अवगत करा रहे हैं और हम अपने आदरणीय नेता चिराग पासवान जी को अवगत कराएंगे। क्या जिन लोगों को मौका मिला उन लोगों ने काम नहीं किया? आज तक तो जनप्रतिनिधि जो लोग भी रहे हैं सब लोग तो क्षेत्रीय ही रहे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। और हम भी बाहर के नहीं, हम भी इसी क्षेत्र के हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार मौका हमें भी मिले ताकि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का सपनों को साकार करें और इस क्षेत्र का विकास का काम करें और देश में, पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा हमारे अध्यक्ष जी दिए हैं वो उनके सपनों को साकार करें और बाराचट्टी विधानसभा को एक नंबर पर ले जाने का काम करें। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? यहाँ की बहुत समस्याएं हैं, इतनी समस्या हैं, जैसे सड़क, जैसे यहाँ पे एक बरंडी बराज आज तक नहीं हो सका। उस समस्या को भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से को अवगत करा चुके हैं। यहाँ की पानी की समस्या, हम लोग बिजली की समस्या, यहाँ जब हम रात में चलते हैं तो चारों तरफ घना अंधेरा होता है जिसके कारण काफ़ी एक्सीडेंट होता है, ये भी एक मामला है। यहाँ पे पड़िया में छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाने को तरस गए हैं, 8 किलोमीटर दूरी है स्कूल का, वहाँ पर स्कूल नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे DM साहब जो कुमार रवि जी थे वो स्कूल बंद कर चुके थे एक्सीडेंट होने की वजह से। सड़क पर जो स्कूल थी और 5 बच्चों की हत्या हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी, दुर्घटना हो गया था, उसमें 5 बच्चे का देहांत हो गया और DM साहब को मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ा और आज तक स्कूल नहीं खुला है। तो हम इसके लिए भी मुख्यमंत्री तक को दे चुके हैं आवेदन। और इन्हीं सब समस्याओं के साथ जो हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चियों का सेल होता है, बच्चियों का देह व्यापार यहाँ पे कराया जाता है, उसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक गांव है, आपको बताते हैं, उस गांव का नाम है, बगल में ही है ये दरोगापुर, उसमें एक गांव है, उसके पीछे ही वहाँ पर बच्चियों को सेल किया जाता है। महादलित की बच्चियों को यहाँ से बिहार से बाहर शादी के नाम पर, छोटी छोटी बच्चियाँ जो 12, 13, 14 साल की होती हैं, उनको शादी के नाम पर उनका देह व्यापार कराया जाता है। इसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। थाना पुलिस इस संबंध में कार्रवाई नहीं? थाना पुलिस, हम SP साहब को, हम समझिए कि 1 बजे रात में हम फ़ोन किए, SP साहब फ़ोन मेरा नहीं उठाएँ, तो जाकर के DIG साहब, IG साहब, पटना IG को हम फ़ोन किए, फिर उन्होंने बैक कॉल किया, तो हम सारी समस्या से अवगत कराएँ। वो जाकर के SP साहब को कहें, SP साहब फिर मेरे पास बोले कि क्या बात है मैडम, बोले इस तरह की समस्या है, थाना जो है वो फ़ोन ही नहीं रिसीव करता है। फिर थाना को फिर फ़ोन, बोले कि अच्छा रुकिए हम करते हैं, थाना को फ़ोन किया, फिर 1:30-2 बजे रात में थाना यहाँ छापेमारी किया बंदूक तोड़ विभाग में, तब जा कर के उस लड़की को बचाया गया। तो यहाँ पर हम सारी समस्याओं को लेकर के हम
संघर्ष कर रहे हैं।